हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड रंग का बटन है ये, इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में एक बेल का आइकन भी है, इसको भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पार्ट वन में हम चैप्टर फर्स्ट के फॉर्मूले आपको दे चुके हैं और यहाँ पर हम चैप्टर टू के सारे फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ जितने भी फॉर्मूले हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से और सारी डेफिनेशन और इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी हम यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, जिससे करने के बाद आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या किसे कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। साइन कोस टैन कोट सह कोसेक को त्रिकोणमितीय फलन तथा साइन मस कोस इनमस टैन मस कोट इनमस सेक इनमस कोसेक इनमस, यानी कि साइन कोस टैन के ऊपर -1 लगा दें को त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन कहते हैं। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव होता है जब वह एकैकी अच्छादक है, यानी कोई भी फलन का प्रतिलोम कब संभव है, जब वो एकैकी अच्छादक है। और हम ये जानते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का है। और एक और पहचान होती है कि अगर हम एक्सिस के समांतर लाइन खींचें और वो केवल एक ही पॉइंट पे काटे तब तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम एक्सिस के समांतर लाइन खींच रहे हैं तो वो केवल यहाँ से यानी कि -π/2 से +π/2 के बीच में ही काट रही है। अगर हम और आगे बढ़ा दें तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि साइन का जो इन्वर्स है वो -π/2 से +π/2, या इधर देखिए यहाँ अगर हम लाइन खींचेंगे ऐसे करके तो यहाँ भी ये लाइन अगर हम यहाँ खींचें ऐसे देखिए तो एक यहाँ तक यहाँ यानी कि ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा पाई और जोड़ देंगे इसके अंदर π/2 3π/2 से और यहाँ पर 5π/2 ठीक है, इसके बीच में ऐसे ही और आगे भी, यानी कर्ण लगातार अगर हम पूरा ओवरऑल एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींच रहे हैं तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट रहा है, यानी इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो कहाँ है इसका -π/2 से +π/2 या यहाँ पर देखिए पाई 3π/2 से 5π/2, लेकिन हम यहाँ पर मुख्य मान को पढ़ेंगे, मुख्य मान जो होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर देखिए और भी यही है, जहाँ पर जो है ये 1/1/2 है -π/2 यहाँ भी है और π/2 से 3π/2 3π/2 से 5π/2 में भी है, लेकिन जब हम यहाँ पर मुख्य मान का ही अध्ययन करेंगे तो केवल हम इसी का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, यानी कि साइन का जो इन्वर्स है वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही पॉसिबल है और इसे ही हम मुख्य मान भी कहते हैं। इसे हमने यहाँ पर थ्योरी लग दी, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब यहीं पर देखिए ये जैसा कि हमने यहाँ भी बता दिया कि इसकी जो डोमेन है, जो साइन वाला फंक्शन है, डोमेन होती है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का मतलब एक्स अक्ष पे जो है और रियल नंबर, और रेंज जो होती है वो वाई अक्ष होती है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन की यानी फंक्शन की। तो इसकी रेंज -1 से +1 है और जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है, इसकी जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। देखिए यहाँ पर रेंज है -1 से +1, तो इसकी जो रेंज है वो बन गई डोमेन, और इसकी जो रेंज क्या है, जहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर हम लाइन खींचें और वो केवल एक ही पॉइंट पे काट रही है तो वो वाला जो भाग हुआ वो इसकी रेंज कहलाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, देखिए -π/2 से +π/2 के बीच में अगर एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींच रहे हैं तो केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो इसकी जो रेंज हो गई वो -π/2 से +π/2 के बीच में हो गई। बिल्कुल इसी प्रकार देखिए हम कोस के फलन की बात करें, यानी कोस के फंक्शन का आलेख की बात करें, तो कोस का जो आलेख है वो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इसकी जो डोमेन वो भी और रियल नंबर है, यानी कि पूरा जो एक्स अक्ष होता है वो डोमेन कहलाता है और जो वाई अक्ष होता है वो इसकी रेंज कहलाता है। तो रेंज क्या है, -1 से +1। जो अभी हम इसका इन्वर्स निकालेंगे यानी इसका प्रतिलोम निकालेंगे तो इसकी जो रेंज है वो तो हो जाएगी डोमेन, और रेंज क्या कहलाएगी, यानी एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे और जहाँ तक वो केवल एक पॉइंट पर काट रही है वक्र को तो वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ये आपको दिख रहे हो ब्लैक लाइन जो हमने खींची है वो केवल एक ही पॉइंट पर काट रही है, अगर हम इसे और आगे बढ़ा देंगे तो 2 पे काट जाएंगे, तो इसका मतलब वो इसकी रेंज नहीं होगी। तो यहाँ देखिए कितनी है, यहाँ एंगल है 0 से लेके π तक, तो रेंज होगी 0 से π तक। ऐसी स्थिति और भी आगे आ सकती है लेकिन हम वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी यहाँ आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट पर काट रहा है, लेकिन यहाँ पर मुख्य मान की बात कर रहे हैं तो मुख्य मान 0 से π के बीच में ही हम लेंगे।
ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी प्रकार हम आपको टैन, कोट और सैक और कोसक का भी बताएंगे। ये टैन और कोट का जो ग्राफ है वो इस टाइप का, टैन यानी कि टैन 0 की वैल्यू 0 होती है और 90 की वैल्यू कैसी होती है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट, और इधर होता है माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ सब माइनस इनफाइनाइट रहेगा। और यहाँ पे सबसे पहले हमें बतानी होती है डोमेन। ये टैन का ग्राफ है और ये वाला जो है कोट का ग्राफ है। डोमेन क्या होती है, एक्स अक्ष को हम डोमेन कहते हैं। और डोमेन देखिए यहाँ पे जो नीली रंग की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये चीज़ डोमेन में शामिल नहीं है क्योंकि एक्स पर देखिए ये भाग इतना हटा हुआ। तो ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 2n+1 × π/2। यहाँ एन क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए इंटीजर है नहीं, एन के स्थान पे आप 0 रखिए तो क्या आएगा, माइनस के π/2, ये वाली लाइन आ गई। जब 1 रखेंगे तो 3π/2, इस तरह माइनस में रखेंगे तो इधर वाले आ जाएंगे। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। रेंज क्या होती है, वाई अक्ष। वाई अक्ष पे देखिए अगर हम वाई अक्ष के समांतर कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो प्रत्येक पॉइंट पे काट रही है, तो इसका मतलब है इस वक्र को हर जगह काटे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छोड़ रहे हो। तो रेंज हो गई और रियल नंबर। जबकि हम वाई अक्ष के समांतर लाइन खींच रहे हैं तो ये वाला भाग इतना छूट जा रहा है, ठीक है। तो जो भाग छूट जा रहा है तो वो चीज़ हमें इसमें से कम कर दी। इसी तरह से देखिए कोट में भी बिल्कुल सेम ही है। कोट 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, इनफाइनाइट। और कोट 90 की जो वैल्यू है, कोट 90 की वैल्यू 0 होगी, और 0 ये 0 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, और 180 की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो डोमेन है इसकी वो ऑल रियल नंबर, यानी एक्स अक्ष जो होती है इसकी डोमेन होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो नीली वाली लाइन है ये शामिल नहीं है, यानी कि माइनस के एन पाई इसमें हो जाएगा। रेंज क्या होती है, वाई अक्ष। देखिए एक्स अक्ष के समांतर आप लाइन खींचिए तो सबको काट रहा है, तो रियल नंबर हो गई। जबकि हम वाई अक्ष के समांतर लाइन खींच रहे हैं तो जो नीली वाली लाइन है ये यहाँ से छुट जा रही है, इसलिए माइनस के एन पाई हो गया। अब इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में जो इसकी रेंज होती है वो इसकी डोमेन बन जाती है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो रेंज यहाँ पर हम कैसे पता कर लेंगे, रेंज करने के लिए हम जो है एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचे देखेंगे। तो एक्स अक्ष के समांतर लाइन देखिए हम खींच रहे हैं तो बस ये देखते हैं कि कहाँ पर वन वन हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर वन वन होगा वही हम फंक्शन यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वन वन जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, एक ही यहाँ से देखिए ये लाइन खींची मैंने, और दूसरी देखिए यहाँ पर अगर मैं लाइन ऐसे खींच रहा हूँ तो ये लाइन जो है केवल वक्र को एक ही पॉइंट पे काट रही है, ये लाइन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये लाइनें क्या काट रही हैं, वक्र को एक ही पॉइंट पे काट रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लाइनें ये क्या काट रही हैं, वक्र को एक ही पॉइंट पर काट रही हैं, ठीक है। अब चूंकि एक ही पॉइंट पर काट रही हैं ये लाइनें, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या हो गई, इसकी जो रेंज हो गई वो क्या है, -π/2 से, यानी एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं इसकी उल्टा हो जाता है। इसमें इसमें क्या होता है, वाई अक्ष रेंज हो जाता है और एक्स अक्ष जो हो जाएगा इसका, वाई अक्ष जो होगा वो डोमेन होगा और एक्स अक्ष इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रेंज है वो तो इसकी डोमेन हो गई, और जो रेंज क्या होगी, जो एक्स अक्ष के हम समांतर लाइन खींचें और वक्र को वो केवल एक ही पॉइंट पे काटें, तो ऐसा क्या हो रहा है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच, यानी कि इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में हो रही है, ठीक है। देखिए -π/2 से यहाँ से और +π/2 के बीच, ऐसी घटना यहाँ भी होगी आगे भी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या, प्रिंसिपल वैल्यू लेनी केवल। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो एक्स अक्ष के आसपास वाली होती है, तो यानी कि -π/2 से +π/2, ठीक है। आगे भी होगा ऐसा, यहाँ भी देखिए आगे भी होगी ऐसी कहानी, लेकिन आगे वाले हमें छोड़ देने। इसी प्रकार से कोट की बात कर रहे हैं तो कोट की देखिए जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, और इसकी जो रेंज होगी वो हम एक्स अक्ष के समांतर देखेंगे मूल बिंदु के पास में, तो वो क्या है, 0 से π। तो 0 से π आप देखिए यहाँ पे 0 और π जो यहाँ से छोटे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो ओपन इंटरवल लगा है, ठीक है। इसमें भी देखिए -π/2 +π/2 छोटे हुए हैं तो ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ठीक। ऐसे ही आगे भी आएगा, देखिए तो अगर हम यहाँ पर लाइन खींचें तो वो भी एक ही पॉइंट पर काट रही है, यानी कि π से 2π के बीच में भी हो जाएगा, लेकिन हम वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें केवल प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, 0 से π के बीच है, बाकी जो है हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक। बिल्कुल इसी प्रकार से कोस और सेक का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कोस और सेक का,
तो यहाँ पर देखिए, पहले हम आपको बता दें कि कोसेक का जो ग्राफ होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि साइन का आप यहाँ से जो है कट करके ऊपर को पलट दीजिए, ठीक है। साइन वाले को देखिए, हमने इतना यहाँ से यहाँ तक का ही यहाँ को दिख रहा होगा, ये साइन का होता है और इसको हमने यहाँ से काटा और इसको पलट दिया, यानी कि साइन का व्युत्क्रम होता है। देखिए नीचे वाला पोर्शन ये आपको दिख रहा, इसको हमने जो है यहाँ से काटा और इसको पलट दिया तो ग्रीन वाला भाग आ गया। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये वाला रेड वाला भाग यहाँ से हमने काटा यहाँ से इस पॉइंटों से और इसको पलट दिया, तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक कहलाता है। यानी कि साइन वाले ग्राफ को हम एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है वहां से काट के इसको पलट देना है, ठीक है। तो अब देखिए रेंज क्या होगी, जो एक्स एक्सिस होती है वो रेंज कहलाती है। तो एक्स एक्सिस इसकी पहले तो हम देखिए एक्स एक्सिस पे देखिए क्या है, तो एक्स एक्सिस पे क्या और रियल नंबर है, लेकिन ये जो नीली वाली लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये एक्स एक्सिस यानी कि हम लाइन खींच रहे हैं 22 के समांतर, तो ये वाली लाइन छूट जा रही है, ठीक है। तो ये एन पाई यहाँ से हट जाएगा, जबकि रेंज क्या है इसकी, ये जो साइन वाला बात साइन वाली रेंज है इसे छोड़ के बाकी सब होगी, यानी -1 से इन्फिनिटिव और -1 से -इन्फिनिटिव, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1, ये छोड़ के बाकी सब हो जाएगी। अब इसी तरह से देखिए सेक की है, सेक में भी देखिए कोस को अगर हम यहाँ से ये यहाँ से काट के और इसको पलट दें तो ऊपर की ओर बन जाएगा, इस तरह ये वाला भाग काट दें कोस का पलट जाएंगे तो पलटने पर ये क्योंकि कोस का उल्टा होता है, तो यहाँ भी देखिए और रियल नंबर होगा, लेकिन जो नीली लाइन है आपको दिखाई दे रही है ये हमें यहाँ से हटानी होगी, क्योंकि ये जो है इस एक्स अक्ष पे इस वक्र को नहीं काट रही है, ठीक है। एक्स अक्ष के 22 के समांतर हम लाइन खींच रहे हैं ये, तो इस ग्राफ को नहीं काट रही है, इसलिए वो चीज़ इसमें से माइनस हो जाएगी। और रेंज क्या होगी, 22 को हम रेंज बोलते हैं, तो 22 पे हम रेंज खींचेंगे, तो हम देखिए 22 के समांतर खींचेंगे तो ये 1 से आगे बार काटेंगे लेकिन बीच वाला भाग नहीं आ रहा, ठीक है। बीच वाला यानी -1 से +1 के बीच को वाला भाग इसमें नहीं आ रहा, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1। अब देखिए जो इनवर्स फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो बन जाती है डोमेन, तो यहाँ पर देखिए रेंज डोमेन बन गई, ठीक है। अब इसकी रेंज हमें निकालनी, तो रेंज कैसे निकालेंगे, एक्स एक्स के समांतर लाइन खींचेंगे और वो देखेंगे कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं काटनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इतने पे ऐसे लाइन खींच रहे हैं ये वाली, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के आसपास वाली देखनी है, वैसे तो और भी हो जाएंगी आगे क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है, तो इतने वाला जो भाग है इसका, ठीक है, कौन कौन सा, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, यानी कि इसमें 0 वाला भाग हमें नहीं लेना क्योंकि 0 वाला भाग जो है वो छूट जा रहा है। देखिए -π/2 से +π/2 तक है, लेकिन यहाँ जो बी 0 वाला भाग है वो छूट जा रहा है, ये हो गया इसकी रेंज। इसी प्रकार से अब हम इसकी बात करते हैं, देखिए एक्स एक्सिस के अब हमने क्या करा, एक्स एक्सिस के समांतर लाइन खींचेंगे, तो एक्स एक्सिस के समांतर जो लाइन खींचेंगे तो वो क्या होगी, देखिए यहाँ से एक ये एक ये एक ये ये, अब हम ऐसे ही एक्स एक्सिस के समांतर यहाँ से खींचेंगे, यानी वक्र को केवल एक ही पॉइंट पर काटनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए वक्र को केवल इस भाग में केवल एक ही पॉइंट पर काट रही है, तो इसकी जो रेंज हो गई, ठीक है, क्या हो गई, 0 से कहाँ तक, यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक 0 से पाई, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये वाली ये इसमें शामिल नहीं है, तो एक्सेप्ट π/2, ठीक। तो ये मैं समझता हूँ इसको आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम अब इसके कुछ जो मुख्य सूत्र हैं वो हम देख लेते हैं, मेन चीज़ ये है आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है तभी इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो आप यहाँ बेसिक अच्छे से समझ लें तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी इनको आप देख लीजिए, साइन वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर एक्स की जो वैल्यू -π/2 से +π/2, तो ये उसी हिसाब से ली जो हमने ग्राफ बनाया उसी हिसाब से ये रेंज हमने ली है। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर देखिए साइन साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर रेंज का विशेष ध्यान रखना है कि इसकी जो एक्स है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए और इसमें एक्स -1 से +1, ये ध्यान रखें। अगर साइन के साथ एक्स है तो वो एंगल होगा और इन्वर्स के साथ एक्स है तो वो वैल्यूज होगी, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूले साइन वाले यहाँ पर हैं और 6 फॉर्मूले यहाँ पर हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज हम दिखा देते हैं, अब दूसरे पेज पर देखिए साइन इन्वर्स -x -sin⁻x और टेन में इनवर्स -x माइनस में होता है, लेकिन कोस वाले में पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चलिए अब दिखा देते हैं आपको पेज नंबर 3, तो इस पर देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x, ये जो हाई स्कूल का फॉर्मूला है साइन थीटा
इक्वल टू एक बटे कोसेक थीटा, उससे तुलना करके ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स अंदर नहीं जाएगा, तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक बटे थीटा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से कंपेरिजन करके हम ये सारे फॉर्मूले याद सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा एक बटे साइन थीटा, कोस थीटा एक बटे सेक थीटा, तो उसे कंपेरिजन करके इसको हम याद कर सकते हैं। यहीं पर आप देखिए आगे चलते हैं, ये फॉर्मूले जो ग्रीन वाले लिखे हैं ये अलग हैं, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, सेक इनवर्स एक्स कॉस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा इक्वल टू वन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उससे तुलना करके आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए साइन थीटा के बटे में हम जो है एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं साइन थीटा के बटे में एक, तो लंब हो गया एक्स, कर्ण हो गया वन, इसे हम रफ में करेंगे, फेयर में नहीं दिखा सकते इसको क्योंकि इनवर्स में ट्रायंगल रूल नहीं लगता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका हमने आधार निकाल लिया, और कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, फिर टैन का निकाला, टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, टैन थीटा लंब बटे आधार एक्स बटे आ गया, कोट इनवर्स आधार बटे लंब, सेकेंड इनवर्स कर्ण बटे आधार, ठीक है, कोसेक कर्ण बटे लंब। तो इस ट्रायंगल की सहायता से छः के छः सूत्र याद रखे जा सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स को भी चेंज कर सकते हैं छः के छः सूत्र में, मैंने ये जगह छोड़ दी, यहाँ पे आप अपना नाम लिखना। तो कोसेक थीटा होता आधार बटे कर्ण, लंब हम निकाल लेंगे ये आएगा, और जब साइन थीटा होता लंब बटे कर्ण, बिल्कुल इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, जैसे टेन का निकालना मान लीजिए, तो टेन थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा इसका वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसी प्रकार से आप सब निकाल सकते हैं। जैसे टेन वर्स एक्स देखा तो यहाँ पर वन मान लिया, टेन थीटा लंब बटे आधार, कर्ण आ गया अंडर रूट वन प्लस के एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब जैसे मान लीजिए आपको किसका निकालना कोस निकालना, तो कोस थीटा क्या होता आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है एक और कर्ण कितना है ये, तो इस तरह से हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रायंगल की सहायता से। लेकिन ये जो है आपको रफ में दिखाना, फेयर में नहीं करना, क्योंकि इनवर्स में ट्रायंगल रूल वर्क नहीं करता है। इनवर्स को अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन में कन्वर्ट कर ले सिंपल फंक्शन में, तब तो ये काम कर जाता है, इसलिए इसमें रफ में ही इसको हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। अब देखिए ये टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले की सहायता से याद रख सकते हैं, टेन बस एक्स प्लस टेन बस वाई इजिकल टू टेन बस एक्स प्लस वाई, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए प्लस टेन बी इजिकल टेन ए प्लस बी इजिकल टू टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए, उसकी हेल्प से याद सकते कर सकते हैं। यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, तो यहाँ भी देखिए ऊपर माइनस आ गया। ये टू टेन थीटा का फॉर्मूला की सहायता से याद कर सकते हैं, टेन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें जो टेन इनवर्स में टेन इनवर्स अंदर नहीं जाता है, इसी तरह से टेन का साइन के पदों में होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोस के पदों में होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो आप हाई स्कूल के फॉर्मूले की सहायता से ही इसको याद रख सकते हैं, टू कोट इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो आप साइन वाले यानी साइन ए प्लस बी की सहायता से याद रख सकते हैं, तो साइन बस एक्स साइन बस वाई साइन ए कोस बी, जो कोस वाला होगा उसको साइन में चेंज करने के लिए अंडर रूट लग जाएगा। इस तरह देखिए यहाँ पर क्या आएगा कोस ए, अब देखिए यहाँ पर साइन है तो साइन वाले तो ऐसे रहेंगे, लेकिन जो कोस वाला फंक्शन है वो साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए तो ऐसे रह गया, कोस तो कोस को साइन में चेंज करने के लिए अंडर रूट लगा दिया, फिर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस ए, ठीक है, और साइन बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी, तो कोस वाला फंक्शन चेंज हुआ, फिर कोस ए साइन बी, तो अब इसमें जो दूसरा वाला जो चेंज होगा उसको हम इसे चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी, तो देखिए कोस वाला साइन में चेंज कर दिया, फिर साइन ए कोस बी, ठीक है, तो इसको फिर चेंज कर लिया हमने साइन कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई कोस ए बी, देखिए दोनों में कोस आया तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, फिर साइन ए साइन बी, जो साइन को कोस में चेंज करने के लिए फिर हमने जो है अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ साइन ए कोस बी, तो बी वाले को हमने साइन में चेंज करा, यहाँ कोस ए साइन बी, तो इसको चेंज कर लिया। इसी तरह से देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई है, तो कोस ए कोस बी तो ऐसे ही रह गया, चूंकि ये साइन में चेंज करा तो साइन वाले को कोस में चेंज करने के लिए अंडर रूट लगा दिया, ठीक। तो ये अब देखते हैं नेक्स्ट,
देखिए ये पेज नंबर 6 पे ये लास्ट है, टू टेन साइन इनवर्स एक्स, यानी टेन टू ए के फॉर्मूले की सहायता से हम इसको याद रख सकते हैं। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर, टू कोस इनवर्स एक्स इजिकल टू कोस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कोस टू ए का फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, इनवर्स में कोस अंदर नहीं जाएगा। इस तरह साइन टू का फॉर्मूला टू साइन ए कोस ए। अब देखो कोस को साइन में चेंज करने के लिए अंडर रूट लग गया, यहाँ पर थ्री साइन ए के फॉर्मूले की सहायता से याद कर सकते हैं। साइन थ्री ए थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए, बिल्कुल इसी प्रकार से थ्री कोस इनवर्स एक्स का आप याद कर सकते हैं, कोस फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, और थ्री टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस के थ्री एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने चैप्टर दो तक आपको सूत्र दे दिए, अब नेक्स्ट में पार्ट में अब हम चैप्टर थ्री के सूत्र और उसकी जो बेसिक थ्योरी है बेसिक कंसेप्ट है वो हम आपको देंगे। तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।